तो मुस्कुराता हुआ चेहरा और बीन बजाती हुई नागिन, बीन क्या नानी नागिन क्या बजा रही है, बीन बजा रही है। क्लास ट्वेल्थ में पहला जो चैप्टर है आपके यहाँ, उस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, मतलब जीवों में रिप्रोडक्शन प्रजनन, जीव कैसे प्रजनन करते हैं, कैसे अपनी जैसी संतानों को पैदा करते हैं, इसी को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। इस दुनिया में जितने जीव हैं, इस दुनिया में रहने का उद्देश्य ही केवल है कि अपने से अच्छे संतानों को पैदा करना। उसी के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उनका केवल एक ही उद्देश्य है कि अपनों से अच्छी जो वो हैं उनसे बेहतर संतानें पैदा हों। बायोलॉजी में जीवों के जीने का उद्देश्य यही है। तो आइए देखा जाए इस रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में, मैं आपको बताऊं कि इसके बाद अगर आप देखें तो सेकेंड चैप्टर प्लांट रिप्रोडक्शन है, थर्ड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन है। ये प्लांट रिप्रोडक्शन और ह्यूमन रिप्रोडक्शन दोनों, जो एनिमल और प्लांट रिप्रोडक्शन है, उन दोनों रिप्रोडक्शन के चैप्टर्स का बेसिक होता है। ऐसा नीट के इतिहास में या AIPMT मेडिकल के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इस चैप्टर से कभी क्वेश्चन ना आए। इस चैप्टर से हर साल एक से दो क्वेश्चन आते हैं, सिंपल सा चैप्टर होता है। इवन कुछ कुछ लोग तो इसे एक लेक्चर में खत्म कर देते हैं, लेकिन आपको इस चैप्टर की एक एक बात को एज यूजुअल NCERT तैयार करना है, तभी जय बायो, जय जीन, जय NCERT होगा। आइए शुरू करते हैं चैप्टर को। तो ये चैप्टर एक से दो क्वेश्चन लेके आता है, ये चैप्टर एक से दो क्वेश्चन लेके आता है नीट के एग्जाम में, मतलब जो नीट का पेपर होता है, जिसके लिए आप जैसे योद्धा तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम के लिए एक से दो क्वेश्चन लेके आता है। अब आइए देखा जाए इसमें सबसे पहली हेडिंग क्या है। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो इसमें जो पहली हेडिंग है, उस हेडिंग का नाम लाइफ स्पैन है। ये सबसे पहली टॉपिक होती है जिसे हम लोग पढ़ते हैं। लाइफ स्पैन माने होता है जीवन अवधि। अगर आप देखें तो इसकी मीनिंग हुई, इसका डिफिनेशन हुआ, ड्यूरेशन बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ। मतलब अगर किसी व्यक्ति की बर्थ हो फिर और उसकी नेचुरल डेथ हो, मतलब बर्थ से लेके नेचुरल डेथ। देखिए, अगर कोई व्यक्ति बाइक से मर गया, कोई एक्सीडेंट से मर गया, तो उसकी नेचुरल डेथ नहीं होती है, तो उस डेथ को एक्सीडेंटल डेथ कहा जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति की, कोई भी जीव है जिसकी नेचुरल नॉर्मल बर्थ हो रही हो, पैदा हो रहा है, बर्थ का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ कोई पैदा हो, किसी भी तरह बर्थ हो सकती है, ओवीपेरस बीबीपेरस आप जानते हैं। तो बर्थ टू नेचुरल डेथ के बीच का जो ड्यूरेशन है, उसी ड्यूरेशन को हम लोग लाइफ स्पैन कहते हैं, लाइफ स्पैन कहते हैं। दूसरा देखिए आप, इस पे दूसरा कमेंट है, लाइफ स्पैन डू नॉट डिपेंड ऑन साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, डू नॉट डिपेंड या डू नॉट रिलेटेड टू साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म लिख सकते हैं, डू नॉट रिलेटेड टू साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऐसा नहीं कोई छोटी साइज का है तो उसकी डेथ साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऐसा नहीं कि कोई जीव है जिसकी साइज छोटी है तो वो जीव, उस जीव का उम्र कम होगा या उस जीव की एज कम होगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर एग्जाम्पल आप देखें तो ये देखिए, ये पहला एग्जाम्पल है पैरट एंड क्रो आर आइडेंटिकल इन साइज। जो कौवा है और जो तोता है उनकी साइज आइडेंटिकल है, आर आइडेंटिकल इन साइज बट देयर लाइफ स्पैन इज वेरिएबल या डिफरेंट कह सकते हैं। दोनों की उम्र तो, दोनों की सेप साइज तो एक जैसी है, लेकिन उनकी जो उम्र है वो डिफरेंट है, एक जैसी तो नहीं करते हैं। NCERT लिखा है समवॉट आइडेंटिकल है, मतलब काफी कुछ मिलती है। तोते की और कौवे की जो सेप साइज है एक जैसी है, लेकिन उम्र में बहुत फर्क है, तो मतलब लाइफ स्पैन जो है वो डिपेंड नहीं करता है। दूसरा देखिए, ये पहला एग्जाम्पल है, अगर आप इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं तो देखिए, एक है पीपल, देखिए पीपल, और दूसरा है बनियान। पीपल या वैसे लिख सकते हैं लाइफ स्पैन ऑफ बनियान ट्री इज हायर, बनियान ट्री इज हायर देन पीपल, मतलब ये कह रहे हैं
कि जो पीपल है उसकी लाइफ पीपल पीपल आप समझते होंगे, ये पीपल जो है एक पेड़ है जिसकी लाइफ स्पेन बरगद के पेड़ से कम होती है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल ये देखे कहना चाहते हैं, ये जो एग्जांपल्स हैं ये एग्जांपल बताते हैं कि लाइफ स्पेन जो है वो साइज पे डिपेंड नहीं करती है, आपको ये बात सीखनी है। तो अब ये देखिए, लाइफ स्पेन डू नॉट रिलेटेड टू साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, लाइफ स्पेन जो है बर्थ से नेचुरल डेथ के बीच में सर्वाइव करती है, मतलब उसके बीच का ड्यूरेशन है। अगर आप लाइफ स्पेन के एग्जांपल्स देख लें, अगर आप लाइफ स्पेन देख लें एग्जांपल्स, तो सबसे पहला एग्जांपल है जो पैरट है। अगर आप पैरट का देखते हैं तो इसकी लाइफ स्पेन 140 ईयर है, 140 साल ही जिंदा रहता है दुनिया में। अच्छा, ये लाइफ स्पेन में भी एक बात और ले सकते हैं हम लोग, लाइफ स्पेन मे बी इन आर्स टू ईयर्स, मतलब एक कुछ घंटों की भी हो सकती है और कुछ सालों की भी हो सकती है। जो हमारा जीवन चक्र है वो कुछ घंटों का भी हो सकता है और कुछ साल का भी हो सकता है, कई साल का भी जीवन चक्र होता है। जैसे आपने देखा पैरेट की जो लाइफ स्पैन है 140 ईयर है। दूसरा देखिए, अगर आप क्रोकोडाइल का लाइफ स्पैन देखते हैं, एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है क्रोकोडाइल का जो लाइफ स्पैन है ये लगभग जो है 150 साल के आसपास है, मतलब क्रोकोडाइल 150 साल जिंदा रहते हैं, 150 साल जिंदा रहते हैं, आपको ध्यान रखना है। एक एनिमल है, एक प्लांट देखिए राइस है, अगर धान के पौधे को देखें तो इसकी लाइफ स्पैन 4 से 5 महीने की है। ये देखिए लाइफ स्पैन 4 से 5 महीने की है। अगर और आप देखें डॉग अगर देखें तो इसकी लाइफ स्पैन लगभग 22 साल के आसपास है, और देखें काऊ अगर आप देखें तो इसकी लाइफ स्पैन 25 ईयर है, हॉर्स देखें तो इसकी लाइफ स्पैन लगभग 40 साल के आसपास है। तो देखिए इनकी लाइफ स्पैन सालों में है, मतलब किसी की 140 साल है, किसी की 150 साल है, किसी की 4 से 5 महीने है, किसी की 22 साल है, किसी की 25 साल है, किसी की जो है 40 जो है ईयर्स की है। लेकिन एक फ्लाई है जिसका नाम है मे फ्लाई, इसकी जो लाइफ स्पैन है 1 डे है, मतलब सुबह पैदा होती है शाम को मर जाती है, सुबह होगी शाम होगी, जीवन ऐसे ही तमाम होगी। तो ये देखिए मे फ्लाई है जिसका लाइफ स्पैन मात्र 1 दिन का है, सुबह ये पैदा होती है और शाम को निपट जाती है, मतलब मर जाती है। तो आप कह सकते हैं लाइफ स्पैन जो है सर उसका साइज से कोई रिलेशन नहीं है। दूसरा देखिए, कोई भी जो जीव होता है अगर आप देखें तो लाइफ स्पैन की जो स्टेजेस ऑफ लाइफ स्पैन अगर आप लाइफ स्पैन के स्टेजेस देखते हैं कि जीव के जीव जीवन चक्र में कौन कौन से स्टेजेस आते हैं, तो ये देखिए सबसे पहले जीव बर्थ पे होता है, मतलब पैदा होता है, पहला स्टेज। फिर उसमें जुवेनाइल स्टेज आता है, जुवेनाइल स्टेज मतलब सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है, जुवेनाइल स्टेज आता है। जुवेनाइल स्टेज के बाद ये देखिए उसमें एजिंग होती है मतलब वो बूढ़ा होता है, और एजिंग होने के बाद फिर उसकी डेथ हो जाती है। ये जीवन का रहस्य है, दुनिया का हर जीव ये जानता है, एक चक्र है जिसमें लोग नाच रहे हैं, मतलब बर्थ, जुवेनाइल स्टेज, एजिंग और डेथ, ये चार है। ये एज होती है सेक्सुअल मैच्योरिटी की एज होती है जिसमें वह रिप्रोडक्शन करता है और अपने जैसे जीव को पैदा करता है। जितने भी इस दुनिया के जीव हैं सबकी यही हालत है। आपने पढ़ा है कि ये जीवन जो है ये श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, और एनकेटी जो है आपसे कह रहे हैं श्री कृष्ण ने कहा था, गीता में कहा था, पहले ये बात तो समझे। श्री कृष्ण ने गीता में कहा पहली बात ये समझो क्या कहा, और एनकेटी ने आपसे कहा कुछ ना कहो। जीवन क्या है? जीवन नश्वर है, मतलब नाशवान है। इस दुनिया के जितने जीव हैं सब के सब मरेंगे। इसके लिए एनसीईआरटी क्या कहती है, अगर आप यही बात एनसीईआरटी में देखिए, एनसीईआरटी ने इसके लिए क्या कहा है, एनसीईआरटी ने ये कहा इसके लिए, कहा कि नो एनी ऑर्गेनिज्म इज इमर्टल, इस दुनिया का कोई जीव अमर नहीं है, इज इमर्टल, इस दुनिया का कोई भी जीव अमर नहीं है, नो एनी ऑर्गेनिज्म इज इमर्टल, इस दुनिया का कोई भी जीव अमर नहीं है, एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म,
एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो मोनेरन्स हो और चाहे प्रोटिस्टेंट्स हो, उनकी नेचुरल डेथ नहीं होती। एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है, मतलब जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म की नेचुरल डेथ नहीं होती है। मतलब आप कह सकते हैं कि जो सर ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, नो नेचुरल डेथ, ऐसे जीवों की नेचुरल डेथ नहीं होती है, नो नेचुरल डेथ। तो आपको ध्यान रखना है, इस दुनिया में ऐसे भी जीव हैं जिनकी नेचुरल डेथ नहीं होती है, तो उनकी डेथ आखिर कैसे होती है? वो डिवाइड होते हैं, जो पेरेंट बॉडी होती है डिवाइड होकर डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाती है, या जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तभी इस समय ये जीव जो है इनकी डेथ हो सकती है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में इन जीवों की डेथ नहीं हो सकती है। तब आपको याद रखना है कि ये जीव है जिनकी लाइफ स्पैन दिन में है, घंटों में है, और इस तरह से जीवन जो चक्र है वो जीवन का चक्र ऐसे चलता है, पैदा होता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, फिर मर जाता है। एजिंग का मतलब ये हुआ कि डिटीरियोरेशन हो जाता है, उसकी मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाती है, और वो जीव इस कर्म क्षेत्र से, मतलब इस दुनिया से, इस संसार से विदा हो जाता है और नमस्ते भारत, नमस्ते विश्व करके धीरे से निकल लेता है। संसार है, सत्य है, और सत्य को स्वीकार करने में ही व्यक्ति की बुद्धिमानी होती है। तो ये पहला टॉपिक हो गया आपका लाइफ स्पैन। देखो बेटा, अगली जो टॉपिक है आपके यहाँ, वो टॉपिक है रिप्रोडक्शन। एनसीईआरटी ने पढ़ाया है। सबसे पहले अगर आप रिप्रोडक्शन देखें तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। एनसीईआरटी ने लिखा हुआ कि भाई ये देखिए, एक तरह की ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल प्रोसेस उसे कहते हैं जिसमें जीव का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है, या पेरेंटल कोई ऐसी एक्टिविटी होती है, उस प्रोसेस को हम लोग बायोलॉजिकल प्रोसेस कहते हैं। और ये देखिए, इन रिप्रोडक्शन कोई भी रिप्रोडक्शन होगा, इन रिप्रोडक्शन अगर आप देखें किसी भी रिप्रोडक्शन में, इन रिप्रोडक्शन एन ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव, एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस, एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस इट्स आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग्स। आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग्स सिमिलर टू इट्सेल्फ। आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग्स सिमिलर टू इट्सेल्फ। ये देखिए, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने ही जैसी संतानों को पैदा करता है, और ये एक प्रोसेस है जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है। मतलब आप समझें कि दुनिया में जितने भी जीव हैं, मनुष्य से मनुष्य पैदा हो रहा है, गाय से गाय, मतलब जानवरों से जानवर पैदा हो रहे हैं, प्लांट से प्लांट पैदा हो रहे हैं, इस दुनिया में जितने भी जीव हैं, सब में प्रवृत्ति है कि अपनी साइज को, अपनी संख्या को बढ़ाएं। वो किसी भी स्तर पर बढ़ाएंगे, सबको अपनी संख्या बढ़ानी पड़ेगी। एनसीईआरटी ने लिखा है कि रिप्रोडक्शन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो है एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो आइडेंटिकल कॉपीज तैयार करता है, अपने जैसे जीवों को तैयार करता है, मनुष्य मनुष्य पैदा हो रहा है, जो भी जीव है सारे जीवों में प्रवृत्ति है, और इसी प्रवृत्ति कारण, मतलब आप कह सकते हैं, दूसरे कमेंट एनसीईआरटी ने कहा कि रिप्रोडक्शन इज अ लिंक इज कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। कंटिन्यूटी है, ये देखिए, जनरेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जितने भी जीव हैं इस दुनिया में, सारे जीव रिप्रोडक्शन करते हैं, उनमें एक लाइफ से, एक जनरेशन से अगले जनरेशन में कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए ये एक प्रक्रिया है जिसमें सारे जीव इन्वॉल्व हैं। मतलब रिप्रोडक्शन एक प्रक्रिया है जो कंटिन्यूटी ऑफ वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, एक जनरेशन से अगले जनरेशन में जीवों के, एक जनरेशन से अगले जनरेशन में ले जाने की एक प्रवृत्ति है जिसको मतलब लोग फॉलो करते हैं। अब ये रिप्रोडक्शन मेनली दो तरह के हैं। अगर आप इसके टाइप देख रहे हैं तो पहला जो है उसे हम लोग कहते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये देखिए, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, इसका पहला नाम हो गया ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका दूसरा नाम हो गया ए गैमोजेनेसिस। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें
गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, ए गैमेटोजेनेसिस, या इसे को हम लोग कहते हैं सोमेटोजेनिक रिप्रोडक्शन। सोमेटोजेनिक रिप्रोडक्शन क्योंकि यहाँ पर के सारी जो सेल्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, सोमेटिक सेल का इन्वॉल्वमेंट होता है, यहाँ पर किसी भी तरह की जर्म सेल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ये पहला होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर कहते हैं हम लोग एनिमल्स के केस में, इसी को हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं प्लांट के केस में। दूसरा जो रिप्रोडक्शन होता है, दूसरा जो होता है उसे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण जीव में वेरिएशन आती है, तो हम आपको ये दोनों पढ़नी है, पहले ए सेक्सुअल पढ़नी है फिर हमें सेक्सुअल पढ़नी है, और दोनों रिप्रोडक्शन में हमको देखने हैं डिफरेंस क्या है, कौन ज्यादा परफेक्ट है, ये ज्यादा बेस्ट है, ये कम बेस्ट है, आपको ये सीखना है। मतलब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोअर एनिमल्स में है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हायर एनिमल्स में है, नेचर ने इसको सिलेक्ट किया है। तो आइए देखा जाए, सीधे काम की बात करते हैं हम लोग। देखो बेटा, पहला आपने लिखा है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये पहला टॉपिक है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हम इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। तो अगर आप ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मीनिंग समझें, तो ए माने है अब्सेंट, ए माने कौन है बेटा, अब्सेंट है, और सेक्सुअल का मतलब है यहाँ पर सेक्स ऑर्गन से, मतलब ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्स ऑर्गन्स अब्सेंट हो, ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्स ऑर्गन्स अब्सेंट हो उस रिप्रोडक्शन को ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो अब आइए शुरू किया जाए, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेन मेन पॉइंट्स क्या हैं? तो अगर आप मेन पॉइंट्स देखें तो सबसे पहला है इट इज मोनोपेरेंटल। मोनोपेरेंटल माने क्या हुआ, इसमें केवल एक पेरेंट होगा। मोनोपेरेंटल माने सिंगल पेरेंट होगा हमेशा। अगर ये रिप्रोडक्शन हो रहा है तो इसमें दो अपोजिट पेरेंट की जरूरत नहीं होती है, दिमाग में भरना शुरू करिए, बिना भरे कल्याण नहीं है। मोनोपेरेंटल माने क्या हुआ कि इसमें जो जो पेरेंट है वो एक ही होगा, दो पेरेंट नहीं हो सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। दूसरा देखिए सेक्स ऑर्गन्स इसमें अब्सेंट होंगे, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी भी आपको सेक्स ऑर्गन जैसी चीज नहीं दिखाई पड़ेगी। दूसरा हो गया। तीसरा कमेंट है गैमेट, एनसीईआरटी का कमेंट है ये, गैमेट मे आर मे नॉट बी फॉर्म, दोनों स्थिति है, गैमेट बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। इस केस में अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो आप हमें मत समझिए, अपनी एनसीईआरटी को समझिए। मैंने 100 बार बोला है एनसीईआरटी बहुत ही बेवफा है। तो गैमेट मे और मे नॉट बी फॉर्म, गैमेट बन भी सकता है और गैमेट नहीं भी बन सकता है मेरे दोस्त। तीसरी बात देखिए, जायगोट डू नॉट फॉर्म, जायगोट नेवर फॉर्म, कभी भी गैमेट तो बन भी सकता है लेकिन इस तरह के रिप्रोडक्शन में जायगोट कभी नहीं बनता है, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और जायगोट का फॉर्मेशन कभी नहीं होता है, ये फिक्स बात है। गैमेट तो बन सकता है लेकिन जायगोट नहीं बन सकता है। फिर ये देखिए अगला कमेंट है, माइटोसिस टेक्स प्लेस इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब आपको ये समझना है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस मतलब माइटोटिक डिवीजन होता है। ये देखिए आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट है, बिना सीखे आप आगे नहीं जा सकते हैं, पॉसिबल है नहीं कि आप आगे चले जाएं। मतलब माइटोटिक या माइटोसिस इस सेल डिवीजन में होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन सोमेटिक सेल में ये डिवीजन होते हैं, कभी भी जर्म सेल में ये डिवीजन नहीं होता है। सो कॉल्ड सोमेटिक सेल में ये डिवीजन होता है, सो कॉल्ड सोमेटोजेनिक रिप्रोडक्शन, इसे हम लोग सोमेटोजेनिक रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन हमेशा किस सेल में होता है, सोमेटिक सेल में होता है, इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा नाम सोमेटोजेनिक रिप्रोडक्शन है। तो क्या क्या कमेंट हो गया, मोनोपेरेंटल है, सेक्स ऑर्गन्स अब्सेंट है, गैमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है,
जायगोट कभी नहीं बनेगा, इस तरह के डिवीजन में हमेशा माइटोसिस होगी। ध्यान रखें नो मियोसिस, नो मियोटिक डिवीजन, कभी भी किसी भी कंडीशन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस नहीं होगी, नो मियोटिक डिवीजन, मियोसिस नहीं हो सकती है, मतलब कभी भी मियोसिस नहीं होगी। तो जब मियोसिस नहीं होगी नो क्रॉसिंग ओवर, किसी तरह की क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, नो क्रॉसिंग ओवर एंड वेरिएशन, इस तरह के जो जीव होंगे उनमें वेरिएशन नहीं आएगी। किसी भी जीव में वेरिएशन तब आता है जब उस जीव में क्रॉसिंग ओवर हो। अब इसमें फर्क, जब क्रॉसिंग ओवर ही नहीं हो रही वेरिएशन कहां आएगा। एक बात और देखिए, ऑफ स्प्रिंग्स आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर। जब ऑफ स्प्रिंग्स मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होंगे, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर, ऐसे ऑफ स्प्रिंग्स के ग्रुप को बेटा हम लोग क्लोन कहते हैं। याद करिए, ये कमेंट एनसीईआरटी का है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको ये कमेंट जरूर आ जाए, चाहे कुछ आए और चाहे ना आए। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन्स बनेंगे, क्लोन्स के एक एक लोगों को हम लोग रेमेट कहते हैं। तो ऑफ स्प्रिंग्स आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर, ये देखिए, इट इज क्विक, फास्ट, इट इज इमीडिएट, मतलब फास्ट होती है, सिंपल एंड फास्ट प्रोसेस, तेजी से होती है, सिंपल एंड फास्ट प्रोसेस, इतनी तेजी से होती है कि एसेराइचिया कोलाई के एक सेल से दो सेल बनने में मात्र 20 मिनट लगते हैं। मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि एसेराइचिया कोलाई में अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, सिंपल सा डिवीजन होता है और उसमें मात्र 20 मिनट लगते हैं। तो क्या क्या कमेंट लिखा आपने, मोरो पैरेंटल है, सेक्स ऑर्गन सबसेंट है, गैमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जायगोट कभी नहीं बनेगा, माइटोसिस नहीं आएगी, माइटोसिस हमेशा इसमें होती है, मियोसिस नहीं होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा सोमेटिक सेल्स में होते हैं, इसलिए इसको सोमेटोजेनिक रिप्रोडक्शन कहते हैं, कभी भी मियोसिस नहीं होगी, मतलब रिडक्शन डिवीजन नहीं होगा, कभी भी क्रॉसिंग ओवर और वेरिएशन नहीं होगा, सभी जैसे दिखाई पड़ेंगे, ऑफ स्प्रिंग्स आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर, वहां क्लोन का फॉर्मेशन होगा, ये फास्ट है, सिंपल है और इमीडिएट है, सिंपल और फास्ट प्रोसेस है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो एसेराइचिया कोलाई है इसको डिवाइड होने में मात्र 20 मिनट लगता है, 20 मिनट में एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन जो है हो जाता है, सोचिए 20 मिनट में। और एक बात और देखें, इनका जो एडाप्टेशन होता है ऐसे जीवों का जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इनका जो एडाप्टेशन होता है काफी लो होता है, एडाप्टेशन लो होता है, मतलब अगर कोई भी एडवर्स कंडीशन आएगी तो उसमें इनके सर्वाइवल में प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह से ये 7-8 कमेंट हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जिनको आपको सीखने हैं। अब आपको मैं इसके एग्जांपल्स बताता हूँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल्स आइए हम लोग देखते हैं, आइए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हम लोग जो है एग्जांपल्स देखते हैं। तो ये देखिए, पहला हमने एग्जांपल लिखा है, हमने बोर्ड पे लिखा है बाइनरी फिशन। तो बाइनरी फिशन में क्या होता है, देखिए सिंपल सा होता है कि अपेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल, एक पेरेंट सेल है जो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है। मान लीजिए, तो माइटोसिस की एक तरह की डिफिनीशन मैंने लिख दिया है। एक बात आप देखें कि अगर आप ध्यान सोचें कि माइटोसिस में प्लॉयडी चेंज नहीं होती है, तो इसका मतलब यह हुआ कि बाइनरी फिशन में कोई भी डिवीजन होगा तो जो पेरेंट की प्लॉयडी होगी वही डॉटर सेल की, मतलब उसके ऑफस्प्रिंग भी प्लॉयडी होगी। इसका अगर आप एग्जांपल देखें, सीधे एग्जांपल की बात करते हैं, तो इसका एग्जांपल है अमीबा। आपकी एनसीईआरटी में इसी का फिगर बनाया हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि आप अमीबा के बारे में सारी चीजें क्लियर कर लें। ये देखिए, ये अमीबा क्या है, प्रोटिस्टा है, ये एक अमीबा की सेल है, ये पेरेंट सेल है जिसको डिवीजन में जाना है, ये देखिए पेरेंट सेल है जिसको डिवीजन में जाना है। तो अगर पेरेंट सेल डिवीजन में जाना है तो कैसे डिवाइड होगी, अगर आप इसके स्टेप्स देखिए कैसे सेल डिवाइड हो रही है, तो सबसे पहले क्या होता है, पेरेंट सेल सबसे पहले काम, पेरेंट सेल इलांगेट्स सबसे पहले इलांगेट हो जाती है, मतलब सबसे पहले चौड़ी हो जाती है।
अगर आप देखें तो इस पेरेंट सेल में ऐसे आपको दिखाई पड़ेगा, कुछ इस तरह से सेल बन जाती है, पहला काम होता है। दूसरा क्या होता है, डीएनए रिप्लिकेशन। डीएनए रिप्लिकेशन मतलब इसका जो डीएनए का अमाउंट है वो डबल हो जाता है सेल का, लेकिन आपको इसमें कभी भी क्रोमोसोम नहीं दिखाई पड़ेंगे। नो क्रोमोसोम, कभी भी आप देखिए तो इसमें आपको क्रोमोसोम नहीं दिखाई पड़ते हैं। जब किसी डिवीजन में क्रोमोसोम नहीं दिखाई पड़ते हैं तो उस तरह के डिवीजन को हम लोग ए माइटोसिस कहते हैं। अगर आपको ये बात समझ में आ रही हो आप इस बात को सीख लें। फिर देखिए, न्यूक्लियस विकम्स डम्बल शेप्ड। न्यूक्लियस विकम्स कैसा, डम्बल शेप्ड। इसका जो न्यूक्लियस है वो डम्बल शेप हो जाता है, डम्बल जैसे हो जाता है। ये देखिए, न्यूक्लियस विकम्स डम्बल शेप्ड। अगला फिगर बनाइए, इसको ऐसे बढ़ा दीजिए इस तरह से, और इसके न्यूक्लियस को आप ऐसे डम्बल शेप बना दीजिए। डम्बल तो आप समझते होंगे, हो सकता है आप यूज भी करते हैं, जिस उम्र में है इस उम्र में ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। ये देखिए, न्यूक्लियस इसका डम्बल शेप हो जाता है। फिर देखिए क्या होता है, साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब सिंपली होता क्या है, क्योंकि डीएनए ऑलरेडी इसका डबल है तो इसका साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाता है। और इस तरह से देखिए, एक अमीबा की सेल से सिंपली अगर आप देखें तो दो अमीबा की सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ये देखिए, तो ये पहला है बाइनरी फिशन। इसमें और भी फिशन होते हैं, अगर आप और इसके अदर एग्जांपल्स देखें तो एक होता है लॉन्गिट्यूडनल फिशन। लॉन्गिट्यूडनल फिशन इसके मोड ऑफ डिवीजन पे है, लॉन्गिट्यूडनल फिशन। लॉन्गिट्यूडनल फिशन होता है बाइनरी फिशन। लॉन्गिट्यूडनल फिशन का एग्जाम्पल अगर आप देखें तो ये आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा किसमें, युग्लिना में। युग्लिना आप जानते होंगे भी एक तरह का ग्रुप है, उसमें प्रोटिस्टा में। एक और इसका डिवीजन होता है ट्रांसवर्स फिशन, मतलब ट्रांसवर्स अगर डिवीजन हो रहा है, ट्रांसवर्स फिशन हो रहा है तो ये देखिए ट्रांसवर्स फिशन में सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल आप लिख दीजिए पैरामीशियम में, मतलब पैरामीशियम में जो डिवीजन है वो ट्रांसवर्स है और युग्लिना में जो डिवीजन है वो कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल है। तो ये पहला एग्जाम्पल है जिसमें डिवीजन हो रहा है अमीबा का। इसमें चाहे तो आप एक एग्जाम्पल बैक्टीरिया भी लिख सकते हैं, बैक्टीरिया के केस में भी आपको ऐसे ही कुछ डिवीजन दिखाई पड़ता है बैक्टीरिया के केस में। वहां पर जो डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, वो डीएनए का रिप्लिकेशन कहाँ होता है, मिसोसोम में, आपने पढ़ा होगा। तो इस तरह से पहला एग्जाम्पल हो गया किसका, बाइनरी फिशन का। ये पहला मोड हो गया डिवीजन का। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, बायजुइस स्पोर्स। बायजुइस स्पोर्स ये देखिए, बायजुइस स्पोर्स अगर आप इसका एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास है। ये एक एल्गी है, खास तरह की एल्गी है। ये देखिए एनसीईआरटी ने इसका फिगर बनाया हुआ है तो आपको ये आना चाहिए, ये क्लेमाइडोमोनास है, ये एल्गी में आपको दिखाई पड़ेगा। इसमें अगर आप देखें जो स्पोर्ट्स में थोड़ा सा और हम लोग इलाबोरेट करें इसे, तो इसमें आइसोगेमिट्स पाए जाते हैं। आइसोगेमिट्स मतलब क्या होता है, आइसोगेमिट्स मतलब होता है कि इसमें जो गेमिट्स हैं, अगर आप जो स्पोर्ट्स को देखें तो ये जो स्पोर्ट्स जो है वाई फ्लैजलेट है। कैसा बेटा, वाई फ्लैजलेट है। अगर आप इनका फिगर देखना चाहते थे, एनसीईआरटी ने इसका फिगर कुछ ऐसे बनाया हुआ, ये ऐसे फिर ऐसे, और ये देखिए इनके अंदर ये हमारे जो स्पोर्ट्स है, ये कितने फ्लैजला है, फ्लैजला इसमें दो है, इन्हें हम लोग जो स्पोर्ट्स कहते हैं। इनका फॉर्मेशन किसमें होता है, क्लेमाइडोमोनास में होता है, और ये इनमें जो डिवीजन हो रहा है वो क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रही है। तीसरा अगर आप देखें, तीसरा इसका जो टाइप है, अगर आप तीसरा टाइप देखते हैं तो इसका जो तीसरा टाइप है वो है बडिंग का। तीसरा टाइप है जिसे हम लोग बडिंग का कहते हैं, ये देखिए बडिंग। बडिंग में क्या होता है, अगर आप समझें बडिंग को आप समझें तो ये देखिए, ये स्मॉल प्रोटोवेरेंस। प्रोटोवेरेंस क्या है, आउटग्रोथ है। ये देखिए प्रोटोवेरेंस आउटग्रोथ है, किसी की भी बॉडी से ये निकलती है। स्मॉल प्रोटोवेरेंस कम्स आउटसाइड ऑफ बॉडी
ए स्मॉल प्रोटुबेरेंस कम्स आउटसाइड ऑफ बॉडी. इट पहला हो गया, इट डिटैचेस एंड फॉर्म न्यू इंडिविजुअल. ये अलग हो जाएगा और नए जीव का फॉर्मेशन होगा. कितनी सिंपल सी प्रोसेस है, सोचिए कितनी तेजी से डिवीजन होगा. अगर आप इसका एग्जांपल देख रहे हैं, बडिंग का एग्जांपल देख रहे हैं, तो एक तो हाइड्रा हो गया, ये देखिए ये हाइड्रा हो गया, और दूसरा ईस्ट हो गया. ईस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, सैक्रेमाइसिस सेरेविशी कहते हैं. अगर आपको पता होगा तो ईस्ट को हम लोग सैक्रेमाइसिस सेरेविशी कहते हैं. तो अगर आप हाइड्रा का एग्जाम्पल देख लें, हाइड्रा क्या है, हाइड्रा सिलेंटेटा का एनिमल है. किस फाइलम के एनिमल है, सिलेंटेटा का एनिमल है. सिलेंटेटा एक फाइलम है जिसमें ये एनिमल्स हैं. तो अगर आप हाइड्रा को देख रहे हैं तो ये देखिए हाइड्रा की कुछ ऐसी बॉडी होती है ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे ढेर सारे इसके टेंटिकल्स होते हैं इस तरह से. ये देखिए इसमें जो बड निकलता है ये यहां निकलता है. ये देखिए ये इसका बड है, ये इसका बड है, समझे इस बात को. ये हाइड्रा है और इसमें जो है ये इसके टेंटिकल्स है, ये इसका बड है, बड आउटग्रोथ है. अगले फिगर में आप देखेंगे तो ये देखिए इसका ऐसे ये बना रहेगा, ये इसके टेंटिकल्स ऐसे बने रहेंगे, ये देखिए. और ये जो बड है ये नए जीव का फॉर्मेशन कर देगा. ये देखिए न्यू ऑफ स्प्रिंग, नया जीव बन गया. सोचिए कितनी सरल प्रक्रिया है, कुछ करना ही नहीं है, फटाक से अपने आप डिविजन हो जा रहा है, अपने आप मतलब डिवीजन हो जा रहा है. सोचिए क्या गजब की पावर है ह्यूमन में, ऐसा तो हो जाता है, क्या बात रहती है, हमारी बॉडी से ऐसे कोई जो है एक बड निकलता और नई जीव का निर्माण हो जाता. कितनी गजब की प्रक्रिया है, नेचर ने क्या शानदार बनाया हुआ है. अगर आप दूसरा देखें, इसका दूसरा एग्जांपल, तो इसका जो एग्जांपल है ईस्ट है, इसको भी एनसीईआरटी ने दिखाया हुआ है. पहली बात मैं लिख दूं, ये दोनों एग्जांपल्स हैं जिसको एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया है. ईस्ट क्या है, फंजाई है. फंजाई कौन सी है, ये यूनिसेलुलर फंजाई है. अगर आप इसका फिगर देखना चाहते हैं तो ये देखिए, ये ऐसे इसका न्यूक्लियस है, ये यूकैरियोटिक सेल है, ये ईस्ट है. कितनी सिंपल सी प्रक्रिया है ये, सोचे आप क्या गजब नेचर ने बनाया होगा. तो ये देखिए अगले फिगर में अगर आप देखें तो इस शेल में यहां पर एक ऐसे प्रोटुबेरेंस आ जाता है. इसका जो न्यूक्लियस होता है ऐसे डंबल शेप्ड हो जाता है. ये देखिए यहाँ पर आपको कोई भी क्रोमोसोम नहीं दिखाई पड़ रहा है. इस उभार को हम लोग प्रोटुबेरेंस कहते हैं. क्या कहते हैं, प्रोटुबेरेंस कहते हैं. और बेटा देखो फाइनली क्या होता है, ये पेरेंट सेल है जो बनी रहती है और इससे अलग होके एक नई सेल का निर्माण हो जाता है. देखिए तो अब इसके तीन प्रक्रिया मैंने पढ़ाया आपको. पहला पढ़ाया मैंने आपको बाइनरी फिशन, दूसरा पढ़ाया आपको जू स्पोर्ट्स, तीसरा आपको पढ़ाया मैंने बडिंग. ये तीन एग्जांपल्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के. आइए और सारी एग्जांपल्स इस प्रक्रिया के देखते हैं. आओ बेटा देखते हैं चौथा इसका एग्जांपल. अगर आप देखें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो एग्जांपल है तो वो कोनिडिया है. तो अगर आप बाई कोनिडिया देखें तो ये देखिए ऐसे पंजे जैसा एक स्ट्रक्चर है इस तरह से. ऐसे देखिए आप एनसीईआरटी में इसका जिक्र बना हुआ है, इसका डिटेल दिया गया है. ये देखिए ये ऐसे पंजे जैसा स्ट्रक्चर है. इस पंजे जैसे स्ट्रक्चर का नाम कोनिडियम है. ये देखिए ऐसे स्ट्रक्चर है तो इसे हम लोग कोनिडिया कहते हैं. ये देखिए बाई कोनिडिया कहते हैं, ये इसके स्पोर्ट्स हैं. तो अगर आप बाई कोनिडिया का एग्जांपल देखते हैं तो बाई कोनिडिया का जो एग्जांपल है आप देखिए, इसका एग्जांपल है पेंसिलिन. पेंसिलिन नाम है. अगर आप देखें तो ये फंगस है पेनिसिलियम नोटेटम एक फंगस है. उसमें आपको कोनिडिया के द्वारा रिप्रोडक्शन दिखाई पड़ेगा, मतलब इसकी बड अलग हो जाती है और नई सेल्स का निर्माण कर देती है. इसकी कितनी सरल प्रक्रिया है, सोचिए आप. माइटोसिस हो रही है. इसके बाद अगला जो है वो है बाई जिम्यूल फॉर्मेशन. ये देखिए बाई जिम्यूल फॉर्मेशन. अब देखिए जिम्यूल फॉर्मेशन के द्वारा भी रिप्रोडक्शन होता है. तो जिम्यूल क्या है, सबसे पहले ये देखा जाए. ये जो प्रक्रिया है दोस्त, जो जिम्यूल है इसको समझे. देखिए फाइलम पॉलीफेरा जो है ये पहला एनिमल किंगडम का फाइलम है. इस फाइलम पॉलीफेरा में ये देखिए एक खास तरह की सेल्स होती हैं. इन सेल्स को आर्क्योसाइट्स कहा जाता है. ये सेल्स हैं आर्क्योसाइट्स. इन आर्क्योसाइट्स के पास इनका काम है रिप्रोडक्शन का.
मतलब ये रिप्रोडक्शन का काम करती हैं, यही सेल्स हैं जो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन का काम करती हैं। ये आर्कियोसाइट जो सेल्स हैं, किस फाइलम में? पॉलीफेरा में आर्कियोसाइट सेल्स हैं जो रिप्रोडक्शन का काम करती हैं। इनमें दूसरी पावर होती है टोटिपोटेंसी की पावर होती है। टोटिपोटेंसी उस पावर को कहते हैं जिसमें जीव जीव जो है एक सेल से पूरे जीव का निर्माण हो जाता है। तो जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, आप समझें कि अनफेवरेबल कंडीशन होती है इस फाइलम के जीवों के लिए, अनफेवरेबल कंडीशन होती है, कंडीशंस जो इन्वायरमेंट है इनके फेवर में नहीं होता है, समय इनका खराब होता है, जैसे अभी खराब होने वाला पूरी दुनिया का। तो अनफेवरेबल कंडीशन दो तरह की बडिंग होती है। एक बडिंग होती है जिसे हम लोग एग्जोजीनस बडिंग कहते हैं। एग्जोजीनस बडिंग कहते हैं मतलब बड का फॉर्मेशन बाहर की तरफ होता है, इस प्रक्रिया को हम लोग जेमिनेशन कहते हैं। ये देखिए जेमिनेशन कहते हैं, ये हो गया। दूसरी जो बडिंग होती है वो इंडोजीनस बडिंग होती है। इंडोजीनस बडिंग होती है आप अगर आप इस बात को समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं। इसे इंडिविजुअल बडिंग को हम लोग जिम्यूलेशन कहते हैं, जिम्यूल का फॉर्मेशन कहते हैं। तो जिम्यूल क्या है? एक स्ट्रक्चर है। अगर आप जिम्यूल देखें तो ये ऐसे एक कोट जैसा स्ट्रक्चर है, इस तरह से, ये देखिए ऐसे कोट जैसे स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर आपको एग्जांस दिखाई पड़ेंगे। एग्जांस जो है इस फाइलम का करेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, करेक्टरिस्टिक फीचर तो नहीं होते हैं, ऐसे आपको एग्जांस दिखाई पड़ेंगे। और इसके अंदर आपको ढेर सारी ऐसे सेल्स दिखाई पड़ेंगी, ये जितनी भी सेल्स हैं सब के सब जो है स्पंजेस हैं जो इसके अंदर पैक्ड हैं। समझे इस बात को, ये स्पंजेस हैं जो ऐसे पड़ी हुई हैं। इन सेल्स का अगर आपको नाम लिखना होगा तो आप लिखेंगे सर ये सारी की सारी सेल्स आर्कियोसाइट्स हैं, और ये एक तरह का रिप्रोडक्शन है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग जिम्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? जिम्यूल कहते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये जिम्यूल है, ये एक तरह की इंडोजीनस बडिंग है। अनफेवरेबल कंडीशन में इस तरह की पॉलीफेरा में आपको रिप्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा। और पॉलीफेरा की इस सेल में दो पावर है रिप्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार है, और इस सेल में जो है टोटिपोटेंसी पाई जाती है। आपके यहाँ एक लास्ट टॉपिक है इसका एग्जाम्पल में, जिसे हम लोग मल्टीपल फिशन कहते हैं। मल्टीपल फिशन जो है आपको पाया जाएगा, इसका पहले तो आप एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर आप इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो इसका एग्जाम्पल जो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है। पहले आप ये बात समझ लें कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है। ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हमारी बॉडी में जब इंटर करता है तो इट काजेस मलेरिया। इससे हम लोगों को मलेरिया होता है, मतलब हम लोग जो हैं, हम लोगों को जो मलेरिया होता है वो इसी कारण होता है। मलेरिया कैसे होता है अगर आप समझें तो ये इट अफेक्ट अवर आरबीसी, ये हमारी आरबीसी को प्रभावित करता है, मतलब ये हमारी आरबीसी के अंदर घुस जाता है और वहां पर हमको ढेर सारे नुकसान पहुंचाता है। क्लास ट्वेल्थ में अगर आप देखें, क्लास ट्वेल्थ में इसका अच्छे से फिगर दिया गया है। क्लास ट्वेल्थ में एनसीईआरटी ने 11th में इसको सप्लीमेंट्री में लिखा हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इसको सीख जाएं, समझ जाएं, ताकि आप किसी को ये बात बता पाएं कि मल्टीपल फिशन भी एक तरह का जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। हम चाहते हैं, हमारा मन है कि आप ये बात सीखें। तो अगर आप देखें तो होता क्या है कि जैसे जब मॉस्किटो आपको बाइट करता है, पहले आप एक मेथड समझें, मॉस्किटो जब आपको बाइट करता है, मॉस्किटो जब आपको काटता है तो ये ट्रांसफर कर देता है, ट्रांसफर प्लाज्मोडियम इनटू ब्लड। मतलब अगर आपको कोई मच्छर काट रहा है तो वो प्लाज्मोडियम को हमारे ब्लड में भेज देता है। हम आपको वो मैकेनिज्म जो क्लास ट्वेल्थ में बनी जिसके फिगर बने हुए उसको मैं लिख के सिखाता हूँ। तो जब मॉस्किटो को कई काटती है, कौन सी मॉस्किटो, इसमें भी टेक्निकल है, केवल फीमेल मॉस्किटो, कभी भी मेल मॉस्किटो आपको बाइट नहीं करता है, ये भी आप दिमाग में रखें। बाइटिंग अपैरेटस फीमेल मॉस्किटो के पास है, मेल के पास नहीं है। तो जब ये ट्रांसफर काटता, जैसे ही हमको काटता है तो ट्रांसफर प्लाज्मोडियम इनटू ब्लड। अब ये जो प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम रीचेज इनटू लीवर। अब ये जो प्लाज्मोडियम है ये लीवर में पहुंच जाता है। जब लीवर में पहुंच जाता है
इट इंटर्स इन आरबीसी, ये आरबीसी के अंदर चला जाता है। कौन? प्लाज्मोडियम। जब आरबीसी के अंदर चला जाता है तो वहीं पर ये करता है कौन सा रिप्रोडक्शन? मल्टीपल फिशन। अगर आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं कि सर ये देखिए ये है हमारी आरबीसी, आरबीसी है, मैंने वहां से फिगर बनाया, मतलब आगे ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकेंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है, अब ये फोर्थ स्टेप है। जब आरबीसी के अंदर चला जाता है तो आरबीसी के अंदर भरा क्या है? हीमोग्लोबिन भरा हुआ है। अब इस आरबीसी के अंदर ये लगातार डिवीजन में जाता है। यहाँ पर जो डिवीजन हो रहा है, मैं आपसे पूछूं कौन सा डिवीजन हो रहा है, माइटासिस हो रहा है या मियासिस हो रहा है? आप कहेंगे सर यहाँ पर माइटासिस हो रही है। ये लगातार डिवाइड करेगा आरबीसी के अंदर, ये लगातार डिवाइड करेगा कौन बेटा? प्लाज्मोडियम। लगातार डिवाइड करेगा जब और इस समय ये अपने एक्टिव फेज में रहेगा, फुल एक्टिव फेज में रहेगा। जब इसकी संख्या हो जाएगी, ये देखिए ऐसे आरबीसी बर्स्ट कर जाएगी। आरबीसी क्या करेगी? बर्स्ट कर जाएगी, फट जाएगी। जब इसकी संख्या बढ़ जाएगी, आरबीसी जब फर्स्ट बर्स्ट हो जाती है तो उसी दिन हम लोगों को बेटा फर्स्ट सिम्टम आते हैं, मतलब आपको जो मलेरिया में पहला फीवर आता है, जिस दिन जिस आरबीसी के अंदर घुसा हुआ है, जिस दिन आपको फीवर आता है, मतलब आपको तकलीफ होती है, वो यही दिन है जिस दिन आपको ये प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप देखें तो उस समय क्या होता है, ये सारे के सारे जो प्लाज्मोडियम है निकल के ब्लड में चले जाते हैं। ये देखिए ये ब्लड के प्लाज्मा में चले जाते हैं। कहाँ पे चले जाते हैं? ब्लड के प्लाज्मा में चले जाते हैं। इसके पहले ये कहाँ रहते हैं? आरबीसी के अंदर रहते हैं। यहाँ पर जो अनडाइजेस्टेड हीमोग्लोबिन है, जिस हीमोग्लोबिन का ये इस्तेमाल करते हैं अपने रिप्रोडक्शन के लिए, अनडाइजेस्टेड हीमोग्लोबिन है जिसका ये इस्तेमाल करते हैं अपने रिप्रोडक्शन के लिए एज ए रॉ मटेरियल, इसे हम लोग हीमोज्वाइन कहते हैं। ये आपको क्लास 12th में हीमो रिप्रोडक्शन वाली शीट में मिल जाएगा। हीमो रिप्रोडक्शन, सॉरी रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड डिजीज करके एक चैप्टर, वहां पर आपको ये मिल जाएगा। एक लास्ट देख लीजिए, ये जो आप पढ़ते हैं रीजनरेशन, क्या है रीजनरेशन? रीजनरेशन भी क्या है? रीजेनरेशन। तो अगर आप रीजनरेशन देखें तो रीजनरेशन भी जो है एक तरफ का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। आपको पता है कि रीजनरेशन में जीव के कुछ बॉडी पार्ट कट जाते हैं, नए जीव का फॉर्मेशन होता है, तब इसे हम लोग कहते हैं कि भाई रीजनरेशन भी जो है एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो इस तरह से आप देखें एनिमल्स में ये सारी मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जो मैंने आपको सारे सिखा दिए हैं, समझा दिए हैं, आप इस सारे तरीकों को सीख जाएं। और अब हम आपको सिखाते हैं प्लांट के रिप्रोडक्शन के बारे में। प्लांट में जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसे एसेक्सुअल न कह के हम लोग उसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। आइए प्लांट्स में अगर हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखते हैं तो प्लांट्स के केस पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना कहके इसे हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्लास 11th में जब आप मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं प्लांट्स के तो वहां पर इसको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, इसलिए मतलब क्लास 11th में जब आप मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पर आपको इसको डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि किसका कौन सा मॉडिफिकेशन है, इसलिए मैं यहां पर केवल एनसीईआरटी को कवर कर रहा हूं। आइए देखें, तो अगर आप देखें इन केस ऑफ प्लांट्स, अगर आप केस प्लांट्स के केस में देखते हैं, इन केस ऑफ प्लांट्स, अगर आप प्लांट्स के केस में देखते हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं कि उसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं प्लांट्स के केस में। जिसके इसके अगर आप एग्जांपल्स देखें, भाई इसके कौन कौन से एग्जांपल्स दिए गए हैं हमारे इस एनसीईआरटी में, तो सबसे पहला जो एग्जांपल है बाई आईज दिया गया है। आप बेटा जब आलू लगाते हैं, आलू बाई आई, तो बाई आई देखिए तो एग्जांपल क्या है इसका? पोटैटो है। मतलब आलू में अगर आप देखें इसका फिगर एनसीईआरटी ने बना रखा है, तो आप चाहें तो ऐसे यहाँ पर एक आलू बना दें, ये देखिए, और यहाँ पर आलू में ऐसे यहाँ पर लिख दें जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स। ये देखिए जब सीजन आता है, मतलब आलू का जब सीजन आता है इसके बोने की, ठंडियों में ठंडी के शुरू होने में ये बोई जाती है, तो आप ये देखिए मतलब बिगिनिंग में ही, तो इसमें अगर आप आलू में देखें तो ऐसे छोटे छोटे बर्ड्स निकल के बाहर चले जाते हैं और इन्हीं बर्ड्स को हम लोग आई कहते हैं। ये देखिए ये आईज हैं। अगर हम आलू को बीच से सेक्शन काटें और आईज दोनों तरफ पड़ेंगी तो नई दो पोटैटो का फॉर्मेशन हो जाता है। तो पहला एग्जांपल आपके यहाँ ये दिया गया है। दूसरा एग्जांपल आप देखें अगर, तो ये देखिए बाई राइजोम है।
तो भाई राइजोम जो है इसका अगर आप एनसीईआरटी केबल कवर करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं मैं एनसीईआरटी यहां पर कवर कर रहा हूं। तो ये देखिए भाई राइजोम का अगर एक एग्जांपल देखें तो इसका जो एग्जांपल है वो जिंजर है। ये देखिए मतलब जिंजर मतलब समझे अदरक है, कौन है अदरक है। तो अगर आप अदरक देखें, ये देखिए ऐसे अदरक के ये जो है यहाँ पर खास तरह के स्ट्रक्चर निकल जाते हैं इस तरह से, और इसमें छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर निकल के आते हैं, इन स्ट्रक्चर को हम लोग राइजोम कहते हैं। ये देखिए ये दूसरा एग्जांपल है अदरक में। तीसरा अगर आप एग्जांपल देखें, तीसरा एग्जांपल देखें तो बाइवल्विन्स है, ये एनसीईआरटी का तीसरा एग्जांपल है, बाइवल्विन्स है। अगर आप देखें तो एग्जांपल जो है इसका अगेव प्लांट है। अगेव प्लांट में आपको देखने को मिलेगा, ऐसे आपको अगेव प्लांट दिखाई पड़ेगा, इसमें आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा। ये देखिए बल्विन्स का ये ऐसा स्ट्रक्चर है, सॉरी अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से तो ये देखिए थोड़ा सा नीचे बनाते हैं, ये ऐसे कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर होता है। इस कैप्सूल जैसे स्ट्रक्चर में आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा और फिर आपको इसमें इस तरह के स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसे हम लोग बल्विन्स कहते हैं। ये देखिए ये स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बल्विन्स है। ये बल्विन्स है। इसके सिवा और भी एग्जांपल्स हैं, आप समझे इस बात को। अगर आप इसका चौथा एग्जांपल देते हैं पाई बल्ब है। बल्विन्स और बल्ब दोनों अलग अलग चीज हैं। अगर इसका एग्जांपल आप देखेंगे तो इसका एग्जांपल ओनियन है। ओनियन मतलब प्याज में अगर आप देखेंगे तो बल्ब को लगाया जाता है। ये इसका तीसरा एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल और है बेटा, देखिए बाई लीफ पत्ती के द्वारा भी रिप्रोडक्शन होता है। एग्जाम्पल अगर आप देखें इसका तो इसका एग्जाम्पल है ब्रायोफिल्लम। ब्रायोफिल्लम एक प्लांट है, उस प्लांट में ये देखिए ब्रायोफिल्लम की ये लीफ है ऐसे। ये देखिए ये इसके वेन्स है, इंटरवेंस है। अभी आप मार्फोलॉजी में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और इसकी लीफ में जो एडवेंसिसस बड्स का फॉर्मेशन होता है, किस बड्स का फॉर्मेशन होता है, एडवेंसिसस बड्स का फॉर्मेशन होता है। उसी एडवेंसिसस बड्स के द्वारा इनका इसमें से देखिए छोटे छोटे प्लांटलेट्स निकल के आते हैं। इन्हें क्या कहते हैं बेटा, प्लांटलेट्स कहते हैं। ये प्लांटलेट्स हैं, प्लांटलेट्स माने छोटे पौधे जो न्यू बॉर्न प्लांट्स हैं, जो अभी तुरंत बन के तैयार हो रहे हैं, उन उन्हें हम लोग प्लांटलेट्स कहते हैं। तो लीफ पे अगर आप देखें तो ब्रायोफिल्लम प्लांट है, जिसमें नए पौधे का जो डेवलपमेंट है, नए जीव का जो डेवलपमेंट है वो लीफ के द्वारा हो रहा है। तो एनसीईआरटी में अगर आप देखें तो पांच फिगर बने हैं। पहला फिगर है आइज में पोटैटो का, राइजोम में जिंजर का, बल्बिल्स में अगेव का, बल्ब का फिगर नहीं बना हुआ है। बाई लीफ में अगर आप देखें तो ब्रायोफिल्लम का। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है बाई ऑफसेट, ये इसका एग्जांपल है, इसमें आपको डिटेल में सीखना है। ये देखिए ये पांचवा एग्जांपल है। तो बाई ऑफसेट पे अगर आप एग्जांपल देखते हैं तो इसका जो एग्जांपल है आप यहां समझिए कि इसका एग्जांपल जो है उसको हम लोग इकॉर्निया कहते हैं। इसका पूरा साइंटिफिक अगर आप नाम लिखते हैं तो पूरा नाम लिख लें, इसका पूरा साइंटिफिक नाम है इकॉर्निया क्रेसिपिस, ये इसका साइंटिफिक नेम है। अगर आप देखिए तो इसमें ऐसे दो खास तरह के अलग अलग ग्रुप्स हैं। ये देखिए फिर ये अलग ग्रुप है और इनके बीच में ये जो कनेक्शन है इसे हम लोग ऑफसेट कहते हैं। इसके बारे में और भी डिटेल है, मतलब आपको ये समझना है कि ये जो इकॉर्निया है इसके बारे में और क्या क्या जानकारी है उसको भी हम लोग एक्सप्लेन कर दें। तो अगर आप इकॉर्निया को देखते हैं, मतलब इकॉर्निया के बारे में देखें तो इकॉर्निया जो है, इकॉर्निया क्रेसिपियस जो है, इसके और क्या क्या गुण है ये भी सीखना है। तो इकॉर्निया के बारे में सबसे पहले जाने कि ये टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं इसे। इसे हम लोग टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं, बंगाल का आतंकवादी कहा जाता है। ये सबसे पहले आपको याद करते हैं। इसका कॉमन नेम अगर आप देखें तो इसका कॉमन नेम है वाटर हियासिंथ। वाटर हियासिंथ ये इसका कॉमन नेम है। भारत में इसे जलकुंभी कहा जाता है। तो ये वाटर हियासिंथ है, इसे टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। टेरर ऑफ बंगाल इसलिए कहते हैं कि इट ट्रैप्स ऑक्सीजन, इट ट्रैप्स O2 फ्रॉम वाटर। ये जिस पानी में रहता है उस पानी के ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेता है। होता क्या है,
इससे फिशेस की मॉर्टेलिटी ऑफ फिशेस हो जाता है। उस पानी में जब फिश ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो जो फिशेस हैं उनकी डेथ हो जाएगी, मॉर्टेलिटी ऑफ फिशेस, फिश मर जाती हैं। शायद इसीलिए इसे टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं, बंगाल में लोग फिशेस ज्यादा खाते हैं, शायद ऐसा होगा। जब किसी पानी में O2 का लेवल कम हो जाता है तो उस पानी में BOD का लेवल हाई हो जाता है और वाटर क्या होता है, पोल्यूटेड होता है। वाटर क्या होता है, पोल्यूटेड हो जाता है, मतलब आप इस बारे में ऐसे लिख सकते हैं कि इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन, इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन मतलब जिस पानी में रह रहा है वो पानी कैसा है, वो पानी पोल्यूटेड पानी है, मतलब पोल्यूटेड वाटर है, आप ऐसे कह सकते हैं। ये देखिए इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन, इससे वाटर पोल्यूशन हो रहा है। तो क्या क्या खास बात हो गई, इकोनॉमिक रेसिपिस को वाटर हैसिंथ कहते हैं, टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं, जिस वाटर में रहता है उसके ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेता है, जब ऑक्सीजन कम झट जाता है तो BOD बढ़ जाता है, वाटर पोल्यूटेड हो जाता है, इसे हम लोग इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन कहते हैं। और इसके देखिए ये एक्सोटिक वीड्स है, एक्सोटिक वीड्स है, एक्सोटिक मतलब एक्सोटिक बीड है, ये मतलब इंडिया की नहीं, ये दूसरी कंट्री से लाई गई थी, इसे एक्सोटिक वीड कहते हैं। और ये जो होती है प्रेजेंट इन स्टैंडिंग वाटर, प्रेजेंट इन किस वाटर में, स्टैंडिंग वाटर में पाया जाता है, वो पानी जो रुका हुआ वाटर है, स्टैंडिंग वाटर है, उसी वाटर में पाया जाता है, चाहे स्टैंडिंग वाटर कहें और चाहे इसे हम लोग लेंटिक वाटर कहें, लेंटिक वाटर, पानी अगर ठहरा हुआ है तो इस पानी को हम लोग लेंटिक वाटर कहते हैं, उस पानी में पाया जाता है। इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, अगर आप देखें तो इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, इसे भारत में इसलिए लाया गया ड्यू टू लीफ एंड फ्लावर, इसकी पत्तियां और फूल काफी सुंदर होते हैं इसलिए इसे भारत में लाया गया। जी देखिए एनसीईआरटी के सारे कमेंट्स हैं, आपके एनसीईआरटी में पूरे 11th की एनसीईआरटी, सॉरी 12th की एनसीईआरटी में ये तीन जगह मिलता है, तीन जगह आपको सीखना पड़ता है। तो भारत में इसलिए लाया गया ताकि ये सुंदर दिखता है, इसकी पत्तियां सुंदर है, एक्सोटिक वीड है, इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन है, जिस पानी में रहता है वहां पर ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेता है, ऑफसेट के द्वारा रिप्रोडक्शन करता है, देखिए फास्ट रेट ऑफ रिप्रोडक्शन है, बहुत ही तेजी से रिप्रोड्यूस करता है, फास्ट रेट ऑफ रिप्रोडक्शन है, बहुत तेजी से रिप्रोडक्शन करता है, फास्ट रेट ऑफ रिप्रोडक्शन है, बहुत टफ काम है, डू नॉट गेट रीड ऑफ देम, इन्हें रिलीज करना या इन्हें जो है किसी मीडियम से निकाल के बाहर करना बहुत ही टफ काम है क्योंकि इनके रिप्रोडक्शन की रेट बहुत फास्ट है। तो इन्हें हम लोग टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं, ऑफसेट द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं, टेरर ऑफ बंगाल इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस ऑक्सीजन जिस पानी पाया जाता है स्टैंडिंग वाटर में पाया जाता है, ध्यान रखेंगे एग्जॉटिक वीड है, और इसे भारत में इसलिए लाया गया क्योंकि इसकी पत्तियां और फूल बड़े सुंदर होते हैं, और जिस पानी में पाया जाता है वह पानी पोल्यूटेड होता है, उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी कारण यह ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेता है और इस चक्कर में उस पानी में जो फिशेस है उनकी डेथ हो जाती है, इसीलिए शायद इसे हम लोग टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं।